आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जगदीशपुरा सेक्टर 2 आवास विकास कॉलोनी में चिकित्सक दंपत्ति के यहाँ डकैती में शामिल 25,000 के इनामी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए बदमाश से 1,00,000 से अधिक की नकदी और तमंचा भी बरामद हुआ है। थाना जगदीशपुरा सेक्टर 2 आवास विकास कॉलोनी में चिकित्सक दंपत्ति के यहाँ डकैती में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश आमिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। शहीद नगर के रहने वाले आमिर ने अपने साथियों के साथ डकैती डाली थी। विरोध करने पर आमिर ने ही डॉक्टर जसवंत राय को सिर पर तमंचे की बट मारकर घायल किया था। पुलिस ने आमिर के साथ संरक्षणदाता कमालुद्दीन उर्फ कल्लू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जगदीशपुरा लूट जो डॉक्टर दंपत्ति के यहाँ लूट हुई थी, उसमें 5 मेन अभियुक्त थे जो घर के अंदर घुसकर लूटपाट किए थे। उनमें 3 अभियुक्त को पूर्व में ही भेजा गया था और जो 2 फरार चल रहे थे उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। उसमें से 1 आमिर, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, उसे कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से उसके हिस्से की पैसे में से 1,40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। साथ में उसके पास से 1 तमंचा मिला है और 2 चांदी के सिक्के जो डॉक्टर दंपत्ति के यहाँ से लूटे गए थे वो भी मिले हैं। और वादी का आधार कार्ड जो उन लोगों के साथ बैग में चला गया था वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। पकड़े गए आमिर के कब्जे से 1,00,000 से अधिक की नकदी, चांदी के सिक्के, आधार कार्ड और तमंचा बरामद हुआ है। SPCD का कहना है कि 5 बदमाशों ने चिकित्सक के यहाँ डकैती डाली थी, जिसमें 4 बदमाश समेत आधा दर्जन से अधिक को जेल भेजा जा चुका है। वारदात के बाद फरार चल रहे गोबर चौकी के रहने वाले रिहान की तलाश की जा रही है। ये वो अभियुक्त है जिन्होंने डॉक्टर को चोट पहुंचाई थी, तो हमने वो तमंचा बरामद कर लिया है जिससे डॉक्टर को चोट पहुंचाई। सर, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोग बाकी हैं? मेन अभियुक्त 5 थे जिसमें 4th गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 मेन अभियुक्त बचा हुआ है। लेकिन इसके साथ जो लोग इस लूट के पैसे को अपने पास छिपा कर रखे थे उन लोगों को भी जेल भेजा गया है और आज आमिर के साथ उसके एक सहयोगी को भी जेल भेजा जा रहा है जो कि इसके लूट के पैसे को अपने पास रखा हुआ था। उसका नाम है कमालुद्दीन उर्फ सल्लू। अपराधी का इतिहास क्या है इसका? आमिर का अपराधी के इतिहास पे जांच चल रही है, आगे आप लोग बताया जाएगा। आवास विकास कॉलोनी में डकैती के बाद बदमाशों ने आपस में नकदी जेवर बांट लिए थे, इसके बाद फरार हो गए। कुछ बदमाशों ने पकड़े जाने पर पैरवी के लिए अपने परिचित रिश्तेदारों को लूटे गए रुपए भी दे दिए थे। संरक्षण दाताओं पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।